कुछ पार्ट्स बदले हैं, कुछ नहीं एक पार्ट बदला है, जिसकी वजह से जो राइडिंग डायनामिक्स है इस बाइक के काफ़ी बदल गए हैं। आई रिमेंबर योर कॉल, जब आपका कॉल आया था मेरे पास तो आई वॉज लव यू सेट कि आ तेरे को एक मैजिक दिखाता हूँ। 101 mm का, सॉरी या 101 mm का सस्पेंशन ट्रैवल है उसमें, और आई थिंक 5 स्टेप एडजस्टेबल। जो भी छोटा सा पॉट होल या अन ईवन सर्फेस आया था उसमें मुझे हल्का सा एक जर्क फील हुआ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद एक व्लॉग डाल रहा हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये वीडियो। नॉट अबाउट माय हिमालयन 450, मेरे पीछे आप देख सकते हैं सुपर मीटियोर 650 खड़ी है, और एक नहीं दो मीटियोर। अब ये कंपैरिजन वीडियो तो नहीं हो सकता, बट फिर भी एक थोड़ा सा कंपेयर हो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इसमें कुछ पार्ट्स बदले हैं, कुछ नहीं एक पार्ट बदला है, जिसकी वजह से जो राइडिंग डायनामिक्स हैं इस बाइक के काफ़ी बदल गए हैं। ये बाइक मेरे पास काफ़ी दिनों से थी, और जो दूसरी बाइक आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की, ये मेरे फ्रेंड की है यशोदन। सो लेट मी कॉल हिम इन द फ्रेम एंड इंट्रोड्यूस यू टू यशोदन। सो हाय, मीट माय फ्रेंड यशोदन, ही ओन्स इंटरसेप्टर, ही ओन्स सुपर मीटियोर 650 एंड मैनी अदर बाइक्स। सो वहाँ नहीं जाते हैं, बात करते हैं इस बाइक के बारे में और इन्होंने अपनी बाइक में क्या चेंज कराया है, इन्हीं से खुद जानते हैं। सो यशोदन, टेल मी, आपके पास ऑलरेडी इंटरसेप्टर 650 है और अब आपने ले ली है सुपर मीटियोर 650, एंड आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट इन नवी मुंबई। यस यस, आई रिमेंबर बिकॉज मैं आपके साथ गया था डिलीवरी के लिए लॉन्च के समय भी। सो यस, सो दिस इज़ द फर्स्ट सुपर मीटियोर 650 ऑफ नवी मुंबई एंड ही ओन्स दैट। बट यशोदन, मेरा एक क्वेश्चन है, सिंस यू ऑलरेडी हैव, जैसा कि आपके पास ऑलरेडी इंटरसेप्टर 650 है, फिर आपने दोबारा 650 एक और बाइक ले ली सुपर मीटियोर, आई नो इट्स अ डिफरेंट बाइक, बट वाई सो? मेन पर्पस था इंटरसेप्टर लेने का लद्दाख जाने के लिए। लद्दाख में मैं इंटरसेप्टर चलाया ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे टू लद्दाख, अप्रोक्सीमेटली 6,000-7,000 किलोमीटर्स हुआ था उस पर, एंड वहाँ से जाने आने में एक चीज़ की भी दिक्कत नहीं हुई। वो गाड़ी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दी, सो मेनली इंजन ट्रस्टेड है गाड़ी का, एंड दूसरी चीज़ मुझे एक ड्रीम था कि क्रूज़र चाहिए था प्रॉपर, सो मैंने मेटेर 650 खरीदा, ब्लाइंडली खरीदा क्योंकि आई नो इंजन इज़ बेटर देन अदर बाइक्स। आपकी बाइक में मुझे कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, प्रोमिनेंट चेंजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हेडलाइट है उसके ऊपर मैं जो वाइज़र देख रहा हूँ वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द स्टॉक वाइज़र, और मतलब पर्सनली मुझे ये ज़्यादा सूटेड लग रहा है, इट लुक्स मोर डिसेंट। बट सिंस आप ये बाइक चलाते हैं, आपने क्रूज़र में ये वाइज़र लगाया हुआ है, हाउ इफेक्टिव इज़ दैट वाइज़र? तो पहली चीज़ तो दिखने में बहुत अच्छा है, ये कार्बन रेसिंग का है, ऑनलाइन मिला था। दूसरी चीज़ स्ट्रॉन्ग है, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, एंड सफिशिएंट वो आपको प्रोटेक्शन भी देता है विंड से। मैंने इसको 160 तक क्रूज़ किया है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, देर इज़ नो वाइब्रेशन, देर इज़ नो नॉइस। आई कैन ऑल्सो वाउच वॉट ही सेज, बिकॉज क्या है कि ये वाइज़र मैंने अपनी मोजो में भी लगाया था और मैंने भी इस वाइज़र के साथ काफ़ी लंबी राइड्स करी हैं, जो उन्होंने बोला कि बिल्कुल जो विंड डिफ्लेक्ट जितना ये वाइज़र करता है उतना मुझे स्टॉक में उतना नहीं लगा, क्योंकि मैंने इस बाइक को भी काफ़ी किलोमीटर्स चलाया है, ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर्स मैंने इस बाइक को चलाया है विद द स्टॉक वाइज़र, बट वो विंड डिफ्लेक्ट फिर भी मेरे को हेलमेट में लगता था। बट क्रूज़र का मेरे को नहीं पता, मैंने ये बाइक ज़्यादा नहीं चलाई है, बट मेरे मोजो में ये वाइज़र था एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी, बिकॉज काफ़ी स्टर्डी है, वाइब्रेट नहीं होता है, प्रॉपर आपको जो हेलमेट के लेवल रहता है वहाँ तक आपको एक अच्छा खासा विंड डिफ्लेक्ट इसमें मिल जाता है, विंड की नॉइज़ आपके हेलमेट के अंदर तक भी नहीं आती है। सो आई कैन ऑल्सो रिकमेंड दिस वाइज़र टू यू गाइस, दिस वाइज़र इज़ अवेलेबल विथ कार्बन रेसिंग, वेरी गुड क्वालिटी, वेरी स्टर्डी, जो मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है उसमें काफ़ी आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। सो ये तो एक काफ़ी प्रोमिनेंट चेंज जो बिल्कुल विजिबल है, जो दिखता है वो उसका आपने बता दिया, और बताइए कि इसके अलावा आपने क्या मेजर चेंज किया है जिसके आपकी राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई है? आई रिमेंबर योर कॉल, जब आपका कॉल आया था मेरे पास तो आई वॉज लव यू सेट कि आ तेरे को एक मैजिक दिखाता हूँ।
आई स्टिल रिमेम्बर दैट। और जब चलाने के बाद आई वॉज लाइक स्पीचलेस, मैंने कहा भाई ये कहाँ से और कैसे काम करवाया तूने, क्या काम किया है। थोड़ा सा हिंट आ गया था बट आई वॉज स्टिल नॉट 100% श्योर अनटिल यू टोल्ड मी द चेंजेस। सो प्लीज़ मेरे व्यूअर को थोड़ा बताइए आपने क्या चेंजेस कराए। बेसिकली मेजर दो चेंज हुआ है इसमें, एक तो हैंडल बार राइजर्स एंड सेकेंड वन सबकी कंप्लेंट थी है बाइक में कि इसका रियर सस्पेंशन उतना अच्छा नहीं है, जिसमें आपको गड्ढे में जाएंगे तो गचके लगते हैं। एंड क्रूज़र बाइक इज़ सपोज टू बी बाइक जो आपको काफ़ी कंफर्ट दे ऑल टाइप ऑफ रोड, नॉट ऑफकोर्स फॉर द ऑफ रोडिंग बट जो नॉर्मल रोड्स है जिसके पॉट होल्स है, स्मॉल पॉट होल्स है, वो काफ़ी अच्छी तरह कैसे एब्जॉर्ब करे, राइट। बट ये गाड़ी में सबसे ज़्यादा दिक्कत थी पिछले वाले सस्पेंशन की, जो मैंने बदले है विथ एनफील्ड 500 का ओरिजिनल सस्पेंशंस। वंडरफुल। आई मीन मेरे को पहले तो बिलीव नहीं हो रहा था कि थंडरबर्ड 500 का सस्पेंशन इसमें लगा है। अभी मैं आप लोगों को दोनों का एक विजुअल दिखा देता हूँ, जो स्टॉक सस्पेंशन है उसका विजुअल देख लीजिए। उसका आई थिंक 110 mm का ट्रैवल है, नहीं 101 mm का, सॉरी या 101 mm का सस्पेंशन ट्रैवल है उसमें, और आई थिंक 5-step एडजस्टेबल। और जो थंडरबर्ड का जो सस्पेंशन आता है आप उसका भी विजुअल देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि बाइक से थोड़ा सा अलग सा दिख रहा हो, अगर आपने स्टॉक सस्पेंशन नहीं देखा हो, ध्यान नहीं दिया हो, तो आप इसको भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये वही मतलब ये स्टॉक सस्पेंशन है कि अलग से कोई सस्पेंशन लगाया गया है। और इसका जो सस्पेंशन ट्रैवल है वो 80 mm है एंड दिस इज़ ऑल्सो 5-step एडजस्टेबल। बट 101 और 80 mm ऑलमोस्ट 21 mm का डिफरेंस है, बट इतना ज़्यादा आपको फ़र्क राइड क्वालिटी में नहीं मिलेगा। मैंने भी बाइक को चलाया है, यशोदन इज़ ऑलरेडी राइडिंग एंड इन्होंने शायद पिलियन के साथ भी चलाया है, तो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस विद द पिलियन? बेसिकली बाइक थोड़ी लो है तो आप जब एक सस्पेंशन चेंज करते हो तो वो सॉफ्टर साइड पे ज़्यादा जाता है, तो आप जब पिलियन को साथ में लेंगे तब आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है स्पीड ब्रेकर्स पे, क्योंकि उसका सस्पेंशन की वजह से इसका जो मूवमेंट है काफ़ी तेज़ होता है, तो जब भी आप स्पीड ब्रेकर से जाते हो तो आपको थोड़ा स्लो लेना पड़ता है, जो कि ओरिजिनल सस्पेंशन में आपको नहीं करना पड़ता है। बट उसमें डिसएडवांटेज है कि ओरिजिनल वाले में आपको गचके बहुत लगते हैं, जर्क बहुत ज़्यादा तेज़ी से लगेंगे। और मतलब आई टोटली मतलब मैं क्या सभी लोग इस बात पे आके एग्री करेंगे कि अगर स्टॉक बाइक में आप और स्टॉक सस्पेंशन के साथ किसी पॉट होल्स में या स्पीड ब्रेकर में अगर आप बम्प लेते हैं तो मतलब वो टाइम आपको दिमाग में बैठ जाता है कि कितना बुरा मेरे को झटका लगने वाला है और लगा है। तो आई कैन टोटली रिलेट बिकॉज मैंने उसमें अच्छी खासी ट्रैवल किया है, तो आई कैन टोटली रिलेट विथ यू दैट। बट यस, यूजली एज ए राइडर आप लोग ज़्यादातर हम लोग हमेशा अकेले ही ट्रैवल करते हैं, बहुत ही कम ओकेजन होता है जब हम पिलियन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें, और अगर आप विद इन सिटी भी करते हैं तो आप ऑब्वियसली इज़ नॉट इन ऑन हायर स्पीड मोड पे आप कभी नहीं चलाते हैं, तो कंट्रोल स्पीड में इट्स बेटर। मतलब यू मीन टू से कि अगर आप कंट्रोल स्पीड में चलाएं, थोड़ा सा आराम से चलाएं, पॉट होल्स आपसे अगर मिस भी हो गया स्पीड ब्रेकर, कई बार होता है हम ओवरलुक कर देते हैं, लाइट्स भी इतनी अच्छी नहीं है, इस बाइक के लाइट भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, शाम के समय अगर आप चला रहे हैं तो उस समय कई आपको कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ जहाँ आपके बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया हो कि और आप अनसेटल हो गए हो थोड़ा सा बाइक चलाते चलाते विद द पिलियन? अभी तक तो नहीं हुआ वैसे एक्सपीरियंस, क्योंकि जहाँ पे भी चला आया लाइट काफ़ी था, आई कुड सी द पॉट होल्स, आई कुड सी द स्पीड ब्रेकर्स, बट जस्ट इन केस अगर वैसे भी आता है जहाँ पे आपका ध्यान नहीं है या सडनली कोई आया, तो वहाँ पे तो मुझे इतना फ़र्क नहीं लगा। ग्रेट ग्रेट। तो आई मीन ये सेटअप आपको हाउ मच इट कॉस्टेड यू? बेसिकली मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था जिसका मुझे कॉस्ट खाली 3,150 रुपया पड़ा। ओह माय गॉड, वंडरफुल। और आपके अलावा मतलब आप आई थिंक आई एम श्योर आप किसी 650 फोरम पे भी हो गए, आपके ग्रुप कोई होगा, आपके अलावा किसी और ने? यस, आई हैव अ स्मॉल ग्रुप जिसमें सब 650 ओनर्स है, उसमें मैंने डाला था चेंज करने के बाद। तो मेरा जो फ्रेंड है उसने इमीडिएट जाके रॉयल एनफील्ड से ख़रीद के उसने भी अपनी गाड़ी पे चेंज किया,
देन हम लोग गए थे राइड पे एंड इट वाज लाइक अमेजिंग फॉर हिम एज वेल. वंडरफुल. सो मतलब यू मीन टू से कि अभी भी ये सस्पेंशन थंडरबर्ड 500 का अवेलेबल है, मतलब मिल सकता है ऑर्डर करने पे. यस ओके यस करेक्ट. वंडरफुल, दैट्स गुड टू नो. एनी अदर थिंग यू वांट टू शेयर विद द व्यूअर, लाइक कुछ और टिप्स या कुछ इस सस्पेंशन को लेके या फिर इस बाइक को लेकर? यहाँ पे जैसे आपने बताया कि उसमें 5-step एडजस्टमेंट है. अगर आपको पिलियन को कैरी करना है तो आप मैक्सिमम स्टेप पे डाल के उसको थोड़ा स्टिफ कर सकते हो, जिसमें आपको जो प्रॉब्लम मैंने बताई या पॉसिबिलिटी है कि आपका टच होने का या ज़्यादा लो जाने का गाड़ी का, वो भी आप निकाल सकते हो अगर आप उसको सेटअप को मैक्सिमम कर दोगे तो. अच्छा यशोधन, आपने बताया था कि आपने इसमें हैंडल बार रेजर भी लगाए हैं, उसका कंफर्ट आपका बहुत अच्छा बढ़ गया है, बट कुड यू टेल मी, मतलब आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने कौन सा हैंडल बार रेजर लगाया है, उसके हाइट क्या है एक्सेट्रा? एक्चुअली मार्केट में दो टाइप के अवेलेबल है हैंडल बार. एक तो आपको खाली पोजिशन को ऊपर करता है, और ये जो मैंने लगाया इसमें थोड़ा इंक्लाइनेशन एंगल है ताकि आपका हैंडल बार आपकी बॉडी के थोड़ा नज़दीक आता है और रेज भी होता है, तो उससे कंफर्ट ज़्यादा मिलता है. बेसिकली आपका सिटिंग पोस्चर है वो एकदम स्ट्रेट हो जाता है, जैसे कि आपको एक्सपेक्टेड है क्रूजर बाइक पे सिटिंग पोस्चर का. तो ये मैंने BS ऑटो से मंगाया था फॉर द टेस्टिंग एंड इट इज़ रियली कम्फर्टेबल. नाउ वी आर ऑल सेट टू मूव अवे फ्रॉम दिस प्लेस एंड राइड दिस बाइक. यशोधर, आपकी हाइट क्या है? मेरी हाइट 5'10". 5'10". आई एम 5'11", सो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. तो आई विल रिक्वेस्ट यशोधन, आप एक बार थोड़ा सा बैठे और एक पोस्चर थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आता है. मैं आपको स्टॉक बाइक में भी बिठवाऊँगा और अपनी बाइक में भी. तो पहले इस बाइक में आ जाते हैं और आप थोड़ा सा बताइए कि और लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा कि पोस्चर पॉइंट ऑफ व्यू से. सो दिस इज़ अ स्टॉक मोटरसाइकिल और एक 5'10" 5'11" की जो हाइट है यशोधन की, वो जो एंगल है वो इस तरीके का दिखता है. अब ये पोस्चर आप थोड़ा सा एक बार नोटिस कर लीजिए. इनका पाँव का तो ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा एंगल में, बट उनका जो बैक का जो पोजीशन है, हाथ का जो उन्होंने हाथ जितना स्ट्रेच किया है वो एंगल थोड़ा सा आप देख लीजिए. अब मैं उनको, उन्होंने अपनी जो बाइक में मॉड कराया है, मॉडिफिकेशन कराया है, और जो एसेसरी लगवाई है, मॉडिफिकेशन नहीं, मॉडिफिकेशन इज़ द रॉन्ग वर्ड, जो उन्होंने बाइक में अपने एसेसरी लगाई है उससे उनको कितना और सिटिंग पोस्चर में कम्फर्ट मिलता है. तो दिस इज़ द, तो यशोधन अपनी खुद की बाइक में अभी बैठे हैं एंड जस्ट लुक एट हिज आर्म्स, जो काफ़ी स्ट्रेच लग रहे थे पहले, अभी देखिए एक थोड़ा सा एक एंगल आ गया है. एंड डेफिनेटली दिस एड्स कम्फर्ट, जब राइडिंग आप करते हैं तो ये आपको आपका कम्फर्ट थोड़ा सा और इन्हांस कर देता है. हालांकि मुझे जो सिटिंग एंगल है, जो उनका पीठ का जो एंगल है, वो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है. उनको बस अपने हाथ को स्ट्रेच करना पड़ता था, और ये स्ट्रेच आपको लॉन्गर राइड में, इफ़ यू आर राइडिंग टू मोर देन 400-500 किलोमीटर्स इन ए डे, तब आपको ये फ़र्क समझ में आएगा, क्योंकि आपका हाथ लगातार स्ट्रेच रहेगा और वो स्ट्रेन आपके शोल्डर तक जाता है. तो इसमें आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे. जाते हैं थोड़ा सा इसको बाइक को राइड करते हैं और आपको इसका थोड़ा सा मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने उस दिन फील किया था, वो दोबारा से शेयर करने की आपके साथ कोशिश करता हूँ. ओके गाइस, तो मैं अभी बाइक चला रहा हूँ यशोधन की, एंड व्हाट अ कंफर्ट. आई मीन मैंने इमीडिएटली स्विच किया है अभी स्टॉक मोटरसाइकिल से, सुपर मीटियोर 650 की जो स्टॉक मोटरसाइकिल है उससे मैंने स्विच किया है यशोधन की बाइक में, एंड आई कैन इमीडिएटली फील दैट डिफरेंस. ये जो हैंडल बार रेजर है और ये जो विंड वाइजर है, इसकी वजह से थोड़ा एक जो डैशबोर्ड का लुक है वो भी काफ़ी अलग दिख रहा है. एंड बिकॉज ऑफ द हैंडल बार रेजर, ट्रस्ट मी दिस इज़ अनबीटेबल. मतलब दिस इज़ वॉट आई एक्सपेक्टेड, दिस इज़ वॉट द हैंडल बार शुड बी. अब ऑब्वियसली वो स्टॉक मोटरसाइकिल है तो हर एक की हाइट को नज़र रखते हुए उन्होंने उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया है, बट जब भी आप इसको अपने पर्सनलाइज करते हैं हैंडल बार रेजर के साथ, तो दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड दिस इज़ व्हाट आई विश. जैसा कि यशोधन ने पहले बताया, दिस इज़ ए
ऑफसेट थोड़ा सा एक एंगल रेजर है तो एक आपके बॉडी के थोड़ा पास आ जाता है हैंडल बार, और हैंडल बार रेजर की वजह से थोड़ा सा ये राइज भी हो जाता है, तो जो आपका कंफर्ट है वो काफ़ी इन्हांस हो जाता है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। अभी आपने नोटिस किया होगा एक छोटा सा गड्ढा आया था, एक पॉटहोल आया था, अनइवन सरफेस आया था, तो मेरे को थोड़ा सा उसमें बाइक में हल्का सा जर्क फील हुआ। मैं थोड़ा सा टर्न कर लेता हूँ फिर बोलता हूँ, बिकॉज मेरे पीछे इमीडिएटली एक गाड़ी थी। तो या सो लेट मी कंटिन्यू विद दैट। जो अभी छोटा सा पॉटहोल या अनइवन सरफेस आया था उसमें मुझे हल्का सा एक जर्क फील हुआ, वो बिकॉज यशोधर मेरे साथ पीछे बैठे हुए हैं और कैमरा वो होल्ड पकड़े हुए हैं। क्यों? बिकॉज मेरे GoPro ने टोटली बहुत बड़ा धोखा दे दिया। मैं उसको पूरा सेटअप तैयार करके लाया था और वो भी वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। हाउएवर कमिंग बैक टू द राइडिंग, यशोधर इज़ हेल्पिंग मी आउट विद दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही हो, बिकॉज मैं अभी अपने फ़ोन से ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर थोड़ा बहुत भी आवाज़ में डिस्टर्बेंस है या थोड़ा आपको क्लियर नहीं आ रही है, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मैं कोशिश करूँगा इसको बाद में एनहांस करने की, बट दिस इज़ वॉट इट इज़ राइट नाउ। ओके, तो मैं थोड़ा सा वॉइस चेक कर रहा था ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, बट आई थिंक इट इज़ एक्सेप्टेबल। तो या आई विल कंटिन्यू विद द राइडिंग कम्फर्ट, अबाउट द सस्पेंशन, जो राइडिंग कम्फर्ट है सस्पेंशन को लेकर उसके बारे में थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करता हूँ टॉक। ये अभी थोड़े से अभी बम्प्स आए, अनइवन पैचेस थे रोड्स में, तो उसमें विद द पिलियन आपको डेफिनेटली एक जर्क इतना ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट हाँ थोड़ा सा आप फील करेंगे, बिकॉज सस्पेंशन ट्रेवल आपका 21 mm के आसपास कम हो जाता है, तो वो आपको डेफिनेटली फील होगा। बट यूजली अगर आप अकेले ज़्यादातर इस बाइक को चलाते हैं फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस राइड, तो आई थिंक इट इज़ मैनेजेबल। यू विल ईजिली एंड वेरी मच कम्फर्टेबली राइड दिस बाइक। आई एम 5'11" एंड यशोधन इज़ 5'10". यशोधन वेट्स अराउंड 97 एंड आई वेट अराउंड 98, तो हम दोनों ही ऑलमोस्ट 200 किलो के हैं, तो सस्पेंशन पे थोड़ा सा ज़्यादती हो रही है। बट अगर आप अकेले बाइक को चला रहे हैं जैसे कि मैंने पहले बताया, यू विल डेफिनेटली लव दिस सेटअप एंड यू विल डेफिनेटली इन्जॉय द कम्फर्ट ऑफ द राइड। ट्रस्ट मी विद दिस काइंड ऑफ सस्पेंशन, स्पेशली वेन यू आर राइडिंग अलोन। मैंने इस बाइक को अकेले भी चलाया है जस्ट बिकॉज मैं अभी वो शूट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द GoPro इशू, तो मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि आप अगर आप सिंगल राइड कर रहे हैं, अकेले इस बाइक को राइड कर रहे हैं, तो आपको ज़रा सा भी कोई जर्क्स फील नहीं होंगे, एंड विच इज़ क्वाइट इंस्पायरिंग, और ये आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस राइड में अच्छा खासा एक कॉन्फिडेंस देता है। ओके गाइस, तो राइड हमारी हो चुकी है, वापस हम लोग आ चुके हैं अपने उसी जगह पे जहाँ पे बाइक पार्क थी पहले। तो आई हैड फन रियली, मतलब एक पूरा राइडिंग डायनामिक्स इस बाइक के टोटली चेंज हो गए हैं, स्पेशली विद द हैंडल बार रेजर। उसकी वजह से जो सिटिंग पोस्चर है वो इतना कंफर्टेबल हो गया है, पहले भी कंफर्टेबल था, इट वाज नॉट दैट कि बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती थी, बिकॉज मैंने स्टॉक मोटरसाइकिल पे ही 3000 किलोमीटर किया था, तो मुझे उतनी ज़्यादा दिक्कत पहले भी नहीं गई थी। और बट इस हैंडल बार रेजर की वजह से कंफर्ट और बढ़ गया है, बहुत अच्छा हो गया है, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया सस्पेंशन की वजह से आपका राइडिंग कंफर्ट मतलब अनमैचेबल। आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और आपने अभी तक ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो स्पेशली सुपर मीडिया और 650 ओनर्स हैं। अगर उनको ये वीडियो पसंद आया और उनके ये हेल्पफुल रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड विच मेक्स मी मोर मोटिवेटेड। तो मिलता हूँ आपको अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड राइड सेफ।